वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। और आज हम कुछ नया करने वाले हैं। हमने एक DSLR परचेस किया है, Canon 200D हमने परचेस किया है। इसकी हम आज करने वाले अनबॉक्सिंग। फॉर लेटेस्ट अपडेट आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, नीचे रेड कलर का जो बटन है उसको प्रेस करके और बेल आइकन ज़रूर दबा देना। और ये वीडियो प्लीज़ एंड तक देखना अगर आपको चाहिए ये जानना है कि हमने ये कैमरा ही क्यों परचेस किया है, और भी कैमरे से हमने वो क्यों नहीं परचेस किए। अब हम करते हैं अनबॉक्सिंग अपने। ये कैनन का बैग मिला है साथ में, और ये हमारा DSLR का बॉक्स है। इसके अंदर DSLR सारा का सारा अच्छे से पैक्ड है, लेंसेस एंड DSLR। ये कूपन मिला है, इसमें आप ऑनलाइन रजिस्टर करके सिलेक्टेड लोकेशंस पे जाके आप क्लासेस ले सकते हैं, फ्री क्लासेस होती हैं। बिल एंड ये वारंटी कार्ड है जिसमें हमें 2 साल की वारंटी मिली है। मैनुअल है, इसमें आप देख सकते हैं अगर आपको कुछ नहीं पता है तो इसकी हेल्प लेके यूज़ कर सकते हैं। ये स्ट्रैप मिली है कैनन की, काफ़ी अच्छी स्ट्रैप है, इसकी मटेरियल काफ़ी अच्छा है। और ये चार्जर, ये चार्जिंग केबल है, ये कितने अच्छे से पैकिंग करके देते हैं ना। ये कैमरा DSLR, और ये लेंस है, हमने लिया है सिंगल लेंस लिया है हमने 18-55 वाला। इसके साथ एक बैटरी भी मिली है हमें, जिसकी ये हमें बैटरी मिली है 1040 mAh की। ये 16 GB का मेमोरी कार्ड मिला है साथ में, फ्री है इसके। अब हम कैमरे को पूरा सेट कर देते हैं, किस तरह से हमारा सेट होगा। ये जो मेमोरी कार्ड है इधर आ जाएगा, बैटरी है, बैटरी लग जाती है। ये लेंस जो है 18-55 वाला लेंस, ये कैमरा हमारा पूरा रेडी हो चुका है। यहाँ पे आप देख रहे हो ऑन ऑफ एंड वीडियो मोड है, ऑन मोड करो। इसकी इस कैमरे की सबसे अच्छा जो फीचर मुझे लगा है, एक तो ये जो स्क्रीन है पूरी रोटेटरी है, इसमें आप रोटेट कर सकते हो, मतलब कि ये पूरा रोटेट हो गया, ठीक है, इस तरह से भी हो जाएगा। दूसरी चीज़ जो मुझे इसमें कैमरे में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी वो है टच। ये पूरा टच है कैमरा, इसको आप जैसी क्लिक करोगे फ़ोटो क्लिक हो जाएगी अपने आप ही। यहाँ पे ये वीडियो मोड है अलग से, वीडियो मोड पे जैसे आप करोगे ये क्लिक करो वीडियो बननी शुरू हो जाती है, और ये बटन दोबारा से क्लिक कर दो वीडियो बन जाती है, ठीक है। इसको आप देखने के लिए यहाँ क्लिक करो, और बिल्कुल टच है, देख सकते हो इस तरह। यहाँ से आप डिलीट का ऑप्शन है, और यहाँ पे हमें मिलते हैं 9 मोड्स मिलते हैं, 9 मोड्स हैं, मैनुअल है, और एक ब्लर इफ़ेक्ट काफ़ी ज़्यादा इसमें अच्छा है, ब्लर इफ़ेक्ट। मैनुअल मोड ये नॉर्मल है, और ब्लर इफ़ेक्ट ये रहा। इस लेंस का जो सबसे अच्छा फीचर लगा, लेंस का जो सबसे अच्छा फीचर लगा वो था जूम इन जूम आउट करते टाइम पे जो आवाज़ नहीं हो रहा है। ये हमारा अपडेटेड वर्जन है, इसमें 2018 के टाइम पे ये सबसे अच्छा अपडेट आया है लेंस में, आवाज़ नहीं करता, वरना पहले जैसे आप जूम इन जूम आउट करते थे तब आवाज़ करता था। इसमें अलग अलग मोड्स हैं, स्पोर्ट्स मोड है हमारे पास, इसमें स्पोर्ट्स मोड मिल जाता है, ये देखो इसमें हमारे जो 9 मोड्स है, देख लो धीरे धीरे करके, ये ब्लर इफेक्ट आ जाता है इसमें, देख सकते हो कितना डिफरेंस है, एक ब्लर्ड है एक शार्प है। ब्लर्ड में पीछे का बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगा, शार्पनेस में मतलब समझ लो शार्पनेस आ जाएगी हर एक चीज़ में जो वहाँ पे कैमरे के टाइम पे है। मैनुअल वो नॉर्मल है, इसमें आपको कोई अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, ये नॉर्मल होता है। अगर किसी को कुछ यूज़ नहीं करना आता मैनुअल मोड पर आप यूज़ कर सकते हो।
क्रिएटिव फिल्टर्स हैं इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे, टॉय कैमरा इफेक्ट, मिनिएचर इफेक्ट और ये सब हमें मिलते हैं इसमें। स्पेशल सीन नाइट में अगर आप शूट कर रहे हो तो अलग से नाइट का अलग से ऑप्शन है, नाइट पोर्ट्रेट का अलग से है, फूड के लिए अलग से है, क्लोजअप के लिए अलग से है, किड्स के लिए है, स्पोर्ट्स मोड है, लैंडस्केप मोड है, ग्रुप फ़ोटो, हर एक जो जितने भी पर्सन आपके कैमरे में खड़े होंगे फ़ोटो के लिए सब पे फोकस जाता है इसमें। और काफ़ी ज़्यादा इजी है ये कैरी करने में, काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है इसका, कोई इतना हैवी नहीं है कि आप इसको कैरी नहीं कर सकते। मैं इसको ऑफ कर देती हूँ। ये हमने गिम्बल भी परचेज़ किया है, गिम्बल परचेज़ किया हमने इस DSLR के लिए, जिससे कि हम इसको इस तरह से ब्लॉक कर सकें। और ये जो हम शूट कर रहे हैं अभी, हम अपने फ़ोन से शूट कर रहे हैं और अब हम आपको DSLR से शूट करके दिखाएंगे यहीं पे कि कैसी इमेज क्वालिटी आती है, वीडियो क्वालिटी कैसे आती है। बाकी और भी DSLR कैमराज से लेकिन अलग 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 फ़ीचर्स है उसमें, जैसे फोटोग्राफी के लिए अलग है, वीडियोग्राफी के लिए अलग है। ये हमें सबसे अच्छा लगा क्योंकि इसमें ऑटो फोकस था, जैसे आप यहाँ पे जैसे अगर आप बैठे हो एकदम से इधर हो जाओगे तो देख रहे हो अलग अलग टाइप का चीज़ दिख रही होगी आपको, लेकिन अभी हम DSLR में ये चीज़ करके दिखाएंगे बिल्कुल ऑटो फोकस है, जैसे आपका फेस यहाँ से यहाँ जाएगा वो अपने आप ही फोकस हो जाएगा। तो ये इसमें काफ़ी अच्छा फीचर लगा। और ये टच था पूरा का पूरा, फ्लिपिंग स्क्रीन थी, ये काफ़ी अच्छा लगा। ब्लर इफेक्ट होती है DSLR में और 9 मोड्स है, काफ़ी अच्छे मोड्स हमें मिले, स्पोर्ट्स मोड, किड्स मोड, गार्डन मोड, ये सब अलग अलग मिले हमें। तो अभी हम आपको DSLR की फुटेज दिखाते हैं।